हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे मटन मलाई सीख कबाब। बहुत ही यमी और माउथ मेल्टिंग बनकर तैयार होता है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। 750 ग्राम्स मैंने यहाँ पर कीमा लिया है, 750 ग्राम जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और उसको स्क्वीज़ करके सारा पानी उसका मैंने डिस्कट कर लिया है। उसके बाद मैंने मिक्सर में उसको एक दो बार चला लिया था ताकि उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा फाइन हो जाए। इसके अलावा 2 से 3 टेबल स्पून भरकर घर की जमाई हुई मलाई यूज़ करी हूँ। 2 बड़ा प्याज मैंने लिया था जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से और फिर उसको निचोड़ लिया है ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। 7 से 8 हरी मिर्चें और मुट्ठी भर हरा धनिया को मैंने कोर्स ग्राइंड कर लिया है, बहुत फाइन टेक्सचर नहीं होना चाहिए उसका। 1 टीस्पून भरकर भुना हुआ जीरा जिसका मैंने पाउडर बना लिया है। 1/2 टीस्पून भरकर चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काटकर पेपर, 1/2 टीस्पून ही मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है और सॉल्ट एज पर एज टेस्ट हम यूज़ करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर पुटाना या भुने हुए चने का पाउडर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेसन को थोड़ा सा भून लें और वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लिया है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज़ उसको क्लिक कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से मटन मलाई सीख कबाब। तो यहाँ पर कीमा लिया है मैंने और सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करते जाएंगे। जो 2 प्याज लिया था जिसका सारा पानी मैंने स्क्वीज आउट कर लिया है वो ऐड कर देंगे। सारे सूखे पाउडर मसाले ये भी सब कुछ ऐड कर देना है हमने। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, हरी मिर्च और हरा धनिया जो मोटा कुटा हुआ हमने लिया था वो सारा ऐड कर देंगे। बेसन और कॉर्नफ्लावर ये भी सारा हमने ऐड कर लेना है इसमें। जो मलाई ली थी मैंने 2 से 3 टेबलस्पून वो ऐड कर देंगे हम इसमें। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यह देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है सारे मसालों के साथ और अब ये कीमा जो है ये बिल्कुल रेडी है। कम से कम इसको 4 से 5 मिनट के लिए अपने अच्छी तरह से नीट कर लेना है और अब हम इसको कवर करके साइड में 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अगर आपको घाई है या आपको जल्दी बनाना है तो आप इसमें 1 टीस्पून रॉ पपैया का पेस्ट ऐड कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर आप इसको इंस्टेंट बना सकते हैं। तो इसको अब हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो ऑलमोस्ट 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं कि मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया था। ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है और अब हमने स्क्यूअर्स पर सीख कबाब प्रिपेयर कर लेने हैं। अगर आपके पास इस तरह के स्क्यूअर्स अवेलेबल नहीं है तो आप पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर आप सीख कबाब प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हाथों को थोड़ा सा हमने वेट कर लेना है ताकि हाथ पर चिपके नहीं। थोड़ा सा बॉयल हम स्कूप आउट कर लेंगे जिस भी साइज़ का आपको बनाना हो और फिर इसको हमने इस तरह से सीख पर प्योर्स कर लेना है और फिर इसको अच्छी तरह से हम शेप कर लेंगे। और फिर इसको जेंटली हमने इस तरह से निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से एक सीख जो है मैंने रेडी कर लिया है। इसी तरह से सारे हम बनाते जाएंगे और हमने रखते जाना है। एक और बना लेते हैं। हाथों को थोड़ा सा गीला कर लें, हल्का सा। थोड़ा सा बॉल हमने इस तरह से स्कूप आउट कर लेना है। बॉल को इस तरह से पियर्स कर लेंगे अंदर और फिर इसको हमने इस तरह से लॉन्ग शेप कर लेना है। आप चाहें तो थोड़े लंबे भी बना सकते हैं। इसकी जो किनारी है इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से सील कर लेना है दोनों तरफ से ताकि ये निकले नहीं और फिर इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सारे हमने सीख कबाबों को प्रिपेयर करते जाना है। ऑयल मीडियम हॉट है और मैंने सीख कबाबों को शेप कर लिया है तो उसको हम ऐड करते जाएंगे। और इसको हमने अच्छी तरह से एक साइड से ब्राउन कर लेना है और फिर हम इसको टर्न कर लेंगे। थोड़े से कबाब श्रिंक हो चुके हैं और एक साइड से हल्का सा कलर आ गया है ये देखिए। तो टर्न कर लेंगे इसको हम और दूसरी तरफ से भी इसको हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है। चेक कर लेते हैं इसको अलट पलटते हुए। जिस भी साइड से ये नहीं सीखे हैं उस साइड से हमने अच्छी तरह से इसको ब्राउन कर लेना है। तो ये देखिए सीख कबाबों को अलट पलटते हुए मैंने अच्छी तरह से गोल्डन कर लिया है। ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट्स में मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से ये कलर आ चुका है इसको और अब हमने इसको निकाल लेना है। तो निकाल लेंगे एक प्लेट पर।
तो ये देखिए तैयार हो चुका है मटन मलाई सीख कबाब। चलिए सर्व कर लेते हैं इसको। ये देखिए इसका टेक्सचर मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट से कबाब भी जो है ये बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए बहुत टेस्टी है ये। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है मटन मलाई सीख कबाब। बहुत यमी बनकर ये तैयार हुए हैं, बहुत बेहतरीन कलर आया है और मलाई की तरह सॉफ्ट और बहुत यमी है। ज़रूर ट्राई कीजिए इसको, आप रिलिश कर सकते हैं मिंट चटनी के साथ, सैलड्स के साथ बहुत यमी जाता है। आप चाहें तो आप इस पर कोल का स्मोक भी दे सकते हैं, इससे ये और भी फ्लेवरफुल बनकर तैयार होता है और एक तंदूरी सा इफेक्ट आ जाता है इसको। ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक लिख के ज़रूर बताइए कि रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आपको रेसिपीज़ आ रही हैं पसंद तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।